कर्नाटक में बजरंग दल पर बैन लगाने के कांग्रेस के वादे के बाद पूरे देश की राजनीति गरमाई हुई है। जेडीयू के एक सांसद ने सीएम नीतीश कुमार से बिहार में बजरंग दल पर बैन लगाने की मांग की है और वहीं मामले में लोजपा के अध्यक्ष चिराग पासवान की प्रतिक्रिया सामने आई है। उन्होंने कहा कि सियासी फायदे के लिए किसी भी संगठन के बारे में ऐसी बयानबाजी करना गलत है। चिराग पासवान ने नीतीश कुमार पर जमकर निशाना साधा। भाई मेरी समझ में नहीं आता कि सरकार को बिहार की ज्वलंत समस्याएं दिखती हैं कि नहीं दिखती हैं या ये लोग देखना नहीं चाहते। बार बार लोगों की आस्था, लोगों के विश्वास का मजाक उड़ाना और उस पर बयानबाजी करना। भाई हम हर बार कह चुके हैं कि व्यक्तिगत आस्था के विषय हैं ये। कौन किस चीज़ में आस्था रखता है, कौन किस चीज़ में आस्था रखता है, कोई तीसरा व्यक्ति उसको निर्धारित करने वाला कोई नहीं हो सकता। आपकी संभवतः जिस चीज़ में आस्था है मेरी उसमें नहीं होगी, या मेरी जिसमें है आपकी नहीं होगी। ये व्यक्तिगत विश्वास का विषय है भाई। कई लोग हैं जो बाबा पे विश्वास करते हैं, कई लोग हैं जो बाबाओं पे विश्वास नहीं करते, वो छोड़ दीजिए ना उनके ऊपर। सरकार का काम ये नहीं है कि किसी की आस्था, किसी के विश्वास के ऊपर कोई टीका टिप्पणी करे। सरकार का काम है कि लोगों को उनकी ज़रूरतें मुहैया कराए।